बिग बॉस के घर में फाइनली एल्विश यादव को था जिसका इंतजार, वो घड़ी अब आ ही गई है। यानी कि एल्विश यादव के घर से भी फैमिली का एंट्री हो ही चुका है। क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल बिग बॉस के घर में कल से फैमिली वीक चालू है। कल सबसे पहले अविनाश की मम्मी ने एंट्री लिया था शो में, उसके बाद मनीषा के पापा ने, फिर फुकरा इंसान की मम्मी ने एंट्री लिया था जो कि रात भर रुकी थी और वो सुबह में गई। फिर फुकरा की मम्मी के जाने के बाद शो में सबसे पहले जिया शंकर की मम्मी ने एंट्री लिया। कल हमने देखा भी था जिया कितना मिस कर रही थी अपने फैमिली मेम्बर को और वो रो रही थी। और फिर अब आपको बता दें कि महेश भट्ट भी पूजा भट्ट की तरफ से आए थे और अब फाइनली एल्विश यादव के घर से उनके पापा आए। एल्विश यादव भी कल काफ़ी रोते नजर आए थे और वो बार बार अपनी मम्मी को याद कर रहे थे और वो चाहते थे कि शो में उनकी मम्मी आए, लेकिन उनकी मम्मी तो नहीं आ पाई। एल्विश के पापा आए शो में और शो में आते ही उन्होंने सबसे पहले तो सिस्टम वाले स्टाइल में एंट्री की, एल्विश के सिस्टम के स्टाइल से। फिर बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें उनके बेटे पे कितना प्राउड है। एल्विश के पापा कहते हैं, ये सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, ये पूरे देश का बेटा है, ये मेरा नाम रोशन कर रहा है और ये पूरा देश, जितने भी लोग हैं उन सभी का बेटा है, उन सभी ने एल्विश यादव को बहुत प्यार दिया है और उन्हें फख्र है एल्विश यादव पे। तो उन्होंने एल्विश यादव की तो तारीफ की ही, साथ ही उन्होंने अभिषेक, मनीषा सभी की तारीफ की। वैसे मनीषा ने तो मजाक में उन्हें अपना ससुर जी भी बुला दिया। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सब पे कमेंट में हमें बताएं और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो